आपने एक नाई की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सर, नहीं सर। सुनाइए सुनाइए। अच्छा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक नाई था, वो बाल काटने जाता था और वो जाके जो है ना इनका क्या नाम है इसका, जो आर्मी का जनरल था, नहीं, उनका नाम लेता था वो, ठीक है ना। तो उनका नाम सुनते ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा सा गुस्सा आता था। एनीवे, उन्होंने एक बार टॉलरेट किया, दूसरी बार टॉलरेट किया, तीसरी बार टॉलरेट किया। उन्होंने कहा, तुम यार बड़े प्राणी हो, तुम हर बार उसी का नाम लेके जो है ना मुझसे बात करने लग जाते हो। बोले साहब, मुझे उसमें उसके नाम में कोई रुचि नहीं है, जब मैं उसका नाम लेता हूं तो आपके जो है ना बाल थोड़े से खड़े हो जाते हैं, मुझे काटने में बड़ी सुविधा होती है। तो हम जो दूसरे की जो नेगेटिव बात या कोई ऐसी बात कहें, वो उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं है, वो आपको एजिटेट करने के लिए है। यदि आपको जो है ना ये प्रदर्श दिखाया गया है कि बाकी समस्याएं अभी दूर हैं, लेकिन जो आपका कैंसर है ये बहुत नजदीक है। यदि हम ये एग्रीकल्चर सीएफबी का आयुष मॉडल और एग्रो मॉडल और इकोसिस्टम नहीं लाते हैं, देन ये देश जो है ना नेताओं से पीड़ित नहीं होगा, भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं होगा, उससे ज्यादा कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। और आप ये देखिए उस समय आपकी हालत कैसी हो, मुझे तो लग रहा है कि कोरोना से ज्यादा बुरी हालत हो। आप, आपकी 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 एग्रीकल्चर क्या करेगी, कौन करेगा एग्रीकल्चर? आपकी इंडस्ट्री कौन चलाएगा, आपकी सर्विस इंडस्ट्री कौन चलाएगा? घर के अंदर मातम जैसा माहौल रहेगा, लोग वहां मौत का इंतजार करेंगे, उनका इलाज कराने के लिए पैसे कहां से आए? एक एक बहुत बहुत बड़ी वो है। और दूसरा ये है कि आपको जो है ना पूरा तहस कर दिया जा रहा है, आप यूथ यूथ कह के अपने आप को कहा जा रहे हैं, आपके जो है ना गांव गांव में हर जगह पे जो है व्यवस्था पहुंचा दी है, अल्कोहल पहुंचा दिया है, पाउच पहुंच गए हैं, लोग बाग जो है ना पाउच पी के जो है ना नमकीन खा के बिना खाना खाए जो है ना अपना दिन बिता रहे हैं, उनके शरीर अस्थि पंजर होते जा रहे हैं, उनमें काम करने की क्षमता नहीं रह रही, उनको सोचने की क्षमता नहीं हो रही, और उस उल्टा जो है ना ढेर सारी चीजें जो है ना परोसी जा रही हैं फिल्मों से, डी कंपनी, इंडिया इंटीग्रेटिंग डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस से, तो उनमें कुत्सित विचार आ रहे हैं, उसके कारण छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं, उन्हें ये सेंस नहीं रह जा रहा है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, उन्हें छोटी बच्चियां भी नहीं दिख रही हैं। तो ये इन चीजों से समय रहते हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं लाया, और ये मिड कोर्स करेक्शन दूसरों से बात कहने की बजाय क्या हम अपनी रेखा बड़ी कर सकते हैं? क्योंकि आप को तो दूसरे की रेखा छोटी करने में एनर्जी क्यों बिताना है, उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो ना भाई। करेक्ट। और आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी को भी आपकी बात पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जो है वो दूध से जला हुआ है। तो हमें दूध के जले व्यक्ति को धीरे धीरे एहसास दिलाना होगा, और एहसास बातों की बजाय यदि हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रूप में ग्राउंड पे उसको कन्वर्ट करके बताएंगे तो शुरू में रेजिस्टेंस होगा, एक बार हवा चलेगी तो आपके बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर को लोग रात को जगा के कहेंगे, भाई मैं तो जो है ना मुझे भाई ज्वाइंट वेंचर में एंटर होना है। शुरू में कठिनाई जरूर, आप ये सोचेंगे आप जाएंगे और आप भाषण देंगे और लोग जो है ना सुन के तालियां बजा के कहेंगे बताइए हम आपके ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब कंसिस्टेंटली आप उस चीज को बताएंगे, उसके एनिमेशन फिल्म बताएंगे कैसे होगा, जब वो उसको फील कर सकेगा कि हाँ इट इज ड्यूएबल। तो मैं आपको बता दूं, हमारा किसान, हमारे लोग बहुत चतुर हैं, और दे आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव आल्सो। यही कारण है कि वो राशन की दुकान पे भी जो ना 4-4 घंटे वेट करने के लिए तैयार रहते हैं, दैट इज देयर प्राइस सेंसिटिविटी। तो यदि उन्हें अपने लाभ की चीज दिखाई दे गई तो फिर वो आपके पीछे भी लाइन लगाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा,
एंड यू हैव टू डिवाइस द वेज एंड मींस सो दैट वट एवर यू आर सीइंग जो उसके एक्सपीरियंस में नहीं है उसे वो फील कर पाए। आप ये नहीं कह सकते कि डीजी साहब ने कहा इसलिए आपको करना है, वहां कोई आपकी फौज नहीं है कि हमारे जनरल साहब ने कहा इसलिए करना है, राइट। वहां पर आपको उसके पुराने ओल्ड एक्सपीरियंस को डिस्क्रिप्टिव विजन, डिसरप्टिव टूल्स, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को साथ में लाके यू हैव टू चेंज देयर एक्सपीरियंस। आपको ये लाना पड़ेगा कि केजरीवाल का खिलौना नहीं, राइट। तो अभी तो वो बेचारा क्या करे, आप ठीक कह रहे हैं कि उसके पास कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन वो च्वाइस अभी आप क्रिएट करेंगे तो देन यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम लाइन। पार्टी बनाना विकल्प नहीं है, लोगों की जो है ना वेल्थ और वो क्रिएट कर दोगे। और पहले इन्हीं से प्रार्थना करो, हमारे तो शास्त्रों में यही सिखाया है ना, जब रामचंद्र जी को श्रीलंका जाना था तो 3 दिन बेचारे विनय करते रहे, तो फिर उनको कहना पड़ा कि विनय न माने जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन हो न पी। तो लेकिन शुरू से भय पैदा मत करिए ना। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ मैं ये पूछा, जैसे चुनाव आयोग ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन देना शुरू किया, आज पूरे देश में 2900 पार्टियां रजिस्टर्ड है, तो क्या सर इसको रोका नहीं जाना चाहिए था सर? देखो मेरा सोचना ये है कि हमें पूरा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप सिम्टम को जाएंगे, जैसे हमने कहा कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, ऐसे ही जो है वी हैव टू देन कम आउट विद द पार्टी फ्री जो है ना पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स क्यों कहें, आई मीन ए पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स वर्ड को ही हटा दिया, क्योंकि हमको इसमें भी डिसरप्टिव विजन के साथ आना पड़ेगा। बेसिकली जैसे ही आप एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन कहेंगे तो जो सबसे पहला चुनौती आएगी कि एवरीबडी वुड लाइक टू स्टैंड, इसका मतलब है हमें अपने स्कैनर मेथोलॉजी बदलना पड़ेगी, जिससे देर विल बी मेनी फिल्टर्स, और हर लेवल के फिल्टर के बाद जो है ना हायर लेवल के फिल्टर्स पे जो ना पहुंच के उसमें फाइनली जो 5 बचेंगे उनके बीच में जो है ना कॉन्टेस्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी हैव टू इवॉल्व ए फुल इकोसिस्टम। हमें जो है नीजर्क रिएक्शन से कि पार्टियों को प्रतिबंध कर दें, इससे कभी नहीं चले सर। हमें 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 स्क्रीनिंग मेथोलॉजी बनाना पड़ेगी कि 5 बेस्ट जो है ना दे विल बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू फाइट, तो वो फिल्टर्स क्या होना चाहिए, और वो फिल्टर्स जो है ना मैनिपुलेटेबल नहीं होना चाहिए, दो फिल्टर्स वुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड उन फिल्टर्स से जो है जो 5 लोग बचेंगे उनको ही कॉन्टेस्ट करने का मौका मिलेगा। जो जो 5 को कॉन्टेस्ट करने का मौका लगेगा वो 5 चुनेगा कौन? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें अपने दिमाग को झकझोरना पड़ेगा, हमें वो फिल्टर डिजाइन करना पड़ेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो कुछ ना कुछ यार्डस्टिक निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अपने दिमाग को झकझोरिए और सोचिए कि क्या इसमें जो है ना हमें क्या सिस्टम निकालना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट 5 मोस्ट मेरिटोरियस पर्सन, और हमें उसके लिए वो विजिबल इंडिकेटर्स निकालना पड़ेंगे जिनको लोग मैनिपुलेट ना कर पाए। थोरो डीप वर्किंग इज रिक्वायर्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट। और लेकिन लेकिन रियल 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 ऑल टाइम सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो आपने आपने ये महसूस नहीं किया कि जो अपन ने बात कही उसने अपन ने एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात कही है, राइट अप टू द रीचिंग। आपने कहा कि एक्सपेंडिचर लेस कंटेस्ट इलेक्शन, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। जैसे आपने कहा कि 5 लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत हो,
लेकिन उसमें देयर हैव टू बी फिल्टर्स। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसके ऊपर चर्चा की बहुत जरूरत है। पहले तो इसके बारे में मनन करने की जरूरत है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देन जो है ना, इसमें बहुत सारे डिबेट किए जाएं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। करेक्ट। सो ऑप्शन शुड बी क्रिएटेड। हाँ, दिस वुड बी थ्रेस्ट ऑफ। यही मुश्किल है, अभी तो यही मुश्किल है कि क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में, असेंबली में आने से रोका कैसे जाए। देखिए, इसलिए इसलिए हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट करप्ट होता जा रहा है, उस डिपार्टमेंट से करप्शन को दूर कैसे किया जाए। अभी तो हर आदमी करप्शन की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, सब पैसा लेने को तैयार है और देने को भी तैयार है, दोनों तरफ। क्यों? देने वाले को तो मजबूरी है, वो कहता है कि भाई मुझे काम कराना है, मैं तो चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और लेने वाले को आदत पड़ गई है लेने की, तो अब वो बिना लिए काम ही नहीं करता। वो रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए ही पैदा हुआ है, वो पब्लिक सर्विस के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। करेक्ट। अभी अभी जो रफेल का मुद्दा उठा था इतना बड़ा, उस रफेल के मुद्दे को किसी ने सॉल्व नहीं किया, बस ये कह के अंडर द कारपेट दफन कर दिया उसको कि भाई ये कंट्री का सिक्योरिटी मामला है। नहीं, अभी उसमें कुछ दस्तावेज आए हैं ना, जिसमें कहा है कि INC है, आई नीड कमीशन। एक जो है संबत पात्रा जी ने, संबत पात्रा जी ने एक बड़ा सेशन ले लिया ना। हाँ, अभी पेगासुस का जो मामला था उस पे गवर्नमेंट ने जब कहा कि भाई इट इज द नेशनल सिक्योरिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको कि आप हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी कह के रैप अप नहीं कर सकते, वी आर सेटिंग अप द SIT। नाउ एवरीथिंग वी हैव टू थिंक। आप ये बताइए कि SIT में कौन से लोग रहेंगे। आप ये देखिए कि 2006 में सुप्रीम, जैसे मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के बारे में एक माइलस्टोन जजमेंट दिया, और सभी राज्यों में जो इंटेंडेड थे उससे गलत जो है ना वो हुआ। इसकी बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी है। क्या हम दो मिनट में वो चीजें नहीं पकड़ सकते हैं जिनके कारण हमारी स्थिति और खराब हो रही है? क्योंकि उसमें, उन कमेटियों में वो ऐसे लोग ही नहीं रखे जाते हैं ना। बिल्कुल। आप मुझे रख दीजिए, मैं दो मिनट में साला सबको स्कैन करके बता दूंगा कि ये ठीक कर दीजिए, अभी दो मिनट में सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो आप इस सोच के लोग रखे ही नहीं जाएंगे ना। जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको हटाया भी जाता है। देखिए, ऑनेस्टी ऑनेस्टी की बात छोड़ दीजिए, अभी तो आप ये कहिए कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव थिंग। ऑनेस्टी का जो, जब तक जो है ना आपको सामने जो है ना आदमी ईमानदार दिख रहा है, वो आपके लिए ऑनेस्ट है। करेक्ट। अब आपके जो बड़े बड़े साधु हैं जिनको आप जो ना पैर चरण छूते और नहीं करते हैं, बाद में मालूम पड़ा के साले वो तो रेपिस्ट निकल गए। करेक्ट। वो बड़े बड़े जो है ना अखाड़े चलाते हैं, खेड़ा चलाते हैं और क्या क्या कहते हैं, डेरा चलाते हैं, और मालूम पड़ा के साले वो क्या क्या धंधे करते हैं। तो जो चीज दिख रही है, पॉइंट वेल टेकन, कि क्रिटिकल थिंकिंग वाला आदमी पहले सेलेक्ट होना चाहिए। Correct. लेकिन उसको ऑनेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। अगर Correct. वो ऑनेस्ट नहीं होगा तो बिक जाएगा। और वो देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, बिकने वाले बातें अलग तरीके की बातें करते हैं। बिकने वाले हमेशा अपने आप को डिप्लोमेटिकली करेक्ट रखते हैं। ओके। वो जो है ना, हम जैसी खुली बातें नहीं करते हैं। राइट। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहेंगे तभी उन्हें लाभ मिलेगा। राइट। सो बेसिकली हमें क्रिटिकल थिंकर्स को इवॉल्व करना चाहिए। भाई स्कैन को जो है ना आप देखिए कि कौन कौन वो कर रहे हैं, देन द मेन नंबर ऑफ द पीपुल कैन जो है ना गिव द होल। नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑफ एडवोकेसी, वी शुड कम आउट ए फुल एडवोकेसी। जैसे हमने जो क्राइम फ्री भारत में फुल 5-fold जो है ना स्ट्रेटेजी लेके आए, और जिसका जो है ना मैं नहीं, तो ये है कि इवन कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द पब्लिक एट लार्ज। और फिर हम कह रहे हैं कि पब्लिक के भी तरफ वो लिफ्ट नहीं होगा, इट विल जो है ना गो इन ए क्लाउड स्पेस।
क्योंकि हम तो कह रहे हैं हम सभी दुष्ट हैं, कोई देवता नहीं है, तो जो पब्लिक है वो जो है ना उसके पास रहेगा तो वो भी सेटल करने की कोशिश करेगा आउट ऑफ द अकाउंट कि भाई साहब जो है ना उसमें जाएगा तो आपको 2000 लगेगा, मुझे तो 500 रुपए ही दे दीजिए। बिगड़े वहां पर बेसिकली हमने इतना घटिया जो है ना वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर दिया है और हम में से कोई जो है ना उससे ऊपर नहीं रह गया है, लिहाजा वी हैव टू डिवाइस द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जिससे कि डूइंग एनीथिंग नेगेटिव। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, करेक्ट, क्योंकि क्योंकि हमें जो है हर चीज के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करना होगा और ये सॉल्यूशन आस्था और विश्वास पे आधारित नहीं होगा। इट शुड बी ड्रिवन विद द टेक्नोलॉजी एंड इट हैज टू बी लॉग्ड विद द डेट टाइम एंड लोकेशन, जैसे कि हम अपने पुलिस एविडेंस के बारे में कह रहे हैं। सो हमारे सभी एविडेंस इनफेलिबल होना चाहिए, अकाट हो जाना चाहिए। ये हमें करना पड़ेगा। हमने बहुत लंबी बात कर ली है मेरे ख्याल से आज के लिए, मेरे ख्याल से यू आर राइट, आज के लिए हमें सम अप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो गई है और बात खींचने से तो कोई भला नहीं होने वाला है। और यदि हम इसको ये माने कि एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम जब तक ठीक ढंग से हार्नेस करके लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये एनर्जी जो हमने खर्च की है इससे किसी को फायदा नहीं मिलता। करेक्ट। सो हमें एंड रिजल्ट और डिलीवरेबल्स की बात करना ही पड़ेगा। करेक्ट, है ना। चलिए साहु जी, आपने फोन लगाया, सही है कैप्टन अग्रवाल, इट इज नाइस टॉकिंग टू यू। और कैप्टन अग्रवाल आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? आर के अग्रवाल। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ आर के अग्रवाल? राकेश कुमार अग्रवाल। अच्छा, ओके। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली द्वारका सिटी में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली द्वारका। और आप कहाँ रहते हैं? मैं भोपाल में हूँ। मैं अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल में। मध्य प्रदेश भोपाल। व्हेन डिड यू रिटायर? लास्ट ईयर, ईयर बिफोर 20, राइट? या सितंबर 2020। सितंबर 20, तो यू रिटायर्ड एज डीजीपी, राइट? I was DGP for almost for 7 years, 14 to 20 September 20, to be precise February 2014। इतना लंबा tenure देते हैं DGP को ये? I was DG railway, I was the DG home guard and civil defense, and I was the DGP police reform। Okay, I was not the DGP जिसको आप DGP जानते हैं, वहां पे ज्यादा उसके लिए अलग योग्यता चाहिए। होम गार्ड में आपकी लास्ट पोस्टिंग क्या होमगार्ड में थी? हमारी लास्ट पोस्टिंग थी डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस में? पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स। ओके, फाइन। जिसमें हमने जो है क्राइम फ्री भारत की अवधारणा की एज ए डीजीपी पुलिस रिफॉर्म ही की है। बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था आपका, रिफॉर्म्स। हाँ, वो आप उसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, सरकार के लिए तो वो पार्किंग स्लॉट था। पार्किंग स्लॉट, वेरी गुड। चलिए, मेरे ख्याल से बात को विराम करते हैं। ठीक ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय।